फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी, और आज हम बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिमिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो लिमिट टेस्ट पे जाने के पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। तो हम देखिए लिमिट टेस्ट के बारे में कहते हैं। हमारे जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि लिमिट टेस्ट को समझने में लगता है कि बहुत लेंथी टॉपिक है और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो लिमिट टेस्ट होता क्या है, हम आपको दो चीजों में, एक तो लिमिट टेस्ट व्हाट इज लिमिट टेस्ट, और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट, पहले मैं ये दो बता रहा हूँ। देखिए लिमिट टेस्ट के लिए आपको एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ, आईसीआई। आपको लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन के लिए याद रखना है आईसीआई, और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट है उसके लिए ट्रिक है एसएससी। तो अब आइए हम देखेंगे। देखिए लिमिट टेस्ट में क्या है कि हम लिमिट टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं। हमारे पास कोई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, उसमें इम्प्योरिटीज हैं। उन इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लिमिट टेस्ट कर रहे हैं। यही सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ, लिमिट टेस्ट क्या हो गया, यानी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द इम्प्योरिटी इन ए गिवन सब्सटेंस विद द टेस्ट आर परफॉर्म विच आर कॉल्ड एज लिमिट टेस्ट। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स लिमिट टेस्ट को प्रभावित करते हैं, तो मैंने आपको ट्रिक बताया एसएससी, यानी कि उसमें आपके क्या आ जाते हैं, स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट, कि जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो कितने स्पेसिफिक हैं, और सेंसिटिविटी, यानी कि उस टेस्ट, मतलब जो टेस्ट हम कर रहे हैं तो किस चीज से वो प्रभावित हो सकता है, सेंसिटिव किसके लिए है। और फिर हमने बताया क्या, सी, सी से क्या है, एसएससी मैंने बताया, तो एस फॉर क्या हो गया, स्पेसिफिसिटी, और एस फॉर क्या हो गया, सेंसिटिविटी, और सी फॉर क्या हो गया, कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर्स, यानी कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें करते वक्त, टेस्ट परफॉर्म करते वक्त कहीं हम पर्सनल एरर तो नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया एसएससी और आईसीआई। अब हम देखेंगे कैसे याद रखेंगे कि क्वेश्चंस कौन से आते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट इज लिमिट टेस्ट, और दूसरा क्वेश्चन राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में आते हैं। मैंने कहा बस ये दो टर्मिनोलॉजी याद रखिए, लिमिट टेस्ट में आईसीआई याद रखिए और फैक्टर्स अफेक्टिंग में एसएससी याद रख लीजिए। ये दो टर्म से आपका काम हो गया। आईसीआई का यहाँ पे क्या, आई फॉर आइडेंटिफाइंग, ठीक है, और सी फॉर कंट्रोलिंग, और आई फॉर किसके लिए कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज। तो आईसीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, आई फॉर आइडेंटिफाइंग, सी फॉर कंट्रोलिंग, आई फॉर इम्प्योरिटीज, यानी आप ये टेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द इम्प्योरिटीज इन ए गिवन सब्सटेंस। तो जो टेस्ट किए जाते हैं, यानी द टेस्ट विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द इम्प्योरिटीज इन ए सब्सटेंस आर कॉल्ड एज लिमिट टेस्ट। ठीक है, ये आपका क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं। यहां हमने डेफिनेशन लिखा है, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज इन ए सब्सटेंस आर कॉल्ड एज लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट हम करते क्यों हैं, किसके लिए, इम्प्योरिटी प्राप्त करने को जानने के लिए, उसकी क्वांटिटी जानने के लिए, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी जानने के लिए। तो वही लिखा है, टू फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज, टू फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट में मैंने बोला एसएससी ट्रिक याद रखिए, एस फॉर स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट, ठीक है, अगेन एस फॉर सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट, एंड सी फॉर कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर। तो यहां पे देख लीजिए, स्पेसिफिसिटी का मतलब है जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो इम्प्योरिटीज के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि इम्प्योरिटीज का पता चल जाए। जैसे एडवांस टेक्निक में गैस क्रोमेटोग्राफी, जीसी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी हम यूज करते हैं, इसमें जो आरएफ फैक्टर होता है उससे क्या होगा, इम्प्योरिटीज क्लियरली डिटेक्ट हो जाते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट, बहुत से फैक्टर्स हैं जो टेस्ट की सेंसिटिविटी को प्रभावित करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रिएजेंट हो गया, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा कि हम टेम्परेचर कौन सा रख रहे हैं, रिएजेंट्स कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर, तो यहां करें कि हम अगर प्रॉपर टर्म्स का यूज करें और पर्सनल प्रॉपर केयर करके हम टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो पर्सनल एरर्स को हम इलिमिनेट कर सकते हैं और टेस्ट के जो रिजल्ट आएंगे वो सही आएंगे। तो अगर हम स्पेसिफिक टेस्ट यूज कर रहे हैं, सेंसिटिविटी को ध्यान में रख रहे हैं और पर्सनल एरर को इलिमिनेट कर रहे हैं, तो लिमिट टेस्ट के जो रिजल्ट होंगे बहुत बेहतरीन आएंगे, और हमें इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में, कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलेगा। तो ये रही बात कि व्हाट इज लिमिट टेस्ट और राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट। तो क्या ट्रिक बताया, आईसीआई, आइडेंटिफाइंग, कंट्रोलिंग इम्प्योरिटीज, ये लिमिट टेस्ट हो गया।
फैक्टर्स अफेक्टिंग में एसएससी, एस फॉर स्पेसिफिसिटी, एस फॉर सेंसिटिविटी, एस सी फॉर कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर्स, ये दो चीजें ट्रिक याद रख लीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिमिट टेस्ट जो आपके क्लोराइड हैं, सल्फेट हैं, आर्सेनिक हैं, लेड हैं और हैवी मेटल्स हैं, तो वो कैसे करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं और कैसे स्मॉल ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।